दोस्तों, तुलसी का पौधा जो है हिंदू धर्म में बहुत पूजनीय होता है और ये एक इकलौता ऐसा पौधा है जो हर किसी के घर में पाया जाता है। चाहे उसके गार्डन में कोई और पौधे हो ना, लेकिन तुलसी का पौधा ज़रूर होता है, क्योंकि तुलसी के पौधे की जो है पूजा डेली करी जाती है और इसको बहुत पूजनीय माना जाता है। तुलसी का पौधा बहुत औषधीय गुणों में भी काम आता है, इसलिए इसको अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। तुलसी को पौधे को कैसे घना बनाया जाए, इस वीडियो में आपको मैं आज बताऊंगा। उससे पहले जो चैनल में नए जुड़े हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, नेचर इन थर्ड फ्लोर गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, तुलसी की जो वैरायटी है, ये कई प्रकार की वैरायटी में पाया जाता है। तो जो मेन वैरायटी इसकी होती है वो होती है रामा तुलसी। रामा तुलसी ये सभी के घरों में, लगभग लगभग सभी के घरों में पाई जाती है। रामा तुलसी की पहचान होती है, इसके पत्ते हल्के से ग्रीन कलर के होते हैं और इसमें मंजरी भी ब्राउन कलर की होती है। मंजरी यानी जो इसके बीज होते हैं वो भी ब्राउन कलर के होते हैं। सबसे ज़्यादा पूजा जाने वाला जो पौधा होता है वो रामा तुलसी है। और इसकी एक वैरायटी आती है श्यामा तुलसी, वो थोड़ा सा पर्पल कलर की, थोड़ा सा ब्रिंजल कलर टाइप का होता है उसका, उसके पत्तों का। वो तुलसी भी एक वैरायटी है जो पूजनीय होती है। और एक इसकी जो वैरायटी आती है वो है मीठी तुलसी। मीठी तुलसी के जो पत्ते होते हैं बहुत डार्क ग्रीन होते हैं। ये देखिए, ये सामने देखिए, ये मीठी तुलसी का पौधा है। इसके जो पत्ते होते हैं बहुत डार्क कलर के होते हैं और इसके जो बीज हैं वो भी थोड़े से बड़े और फूल भी इसमें वाइट कलर के आते हैं। मीठी तुलसी का प्रयोग कई लोग औषधियों में करते हैं। इसका प्रयोग ज़्यादातर औषधि में होता है और इसका प्रयोग जो होता है, कई लोग इसकी चाय बनाकर, तुलसी की जो चाय पीते हैं इसको यूज करते हैं। क्योंकि जो हम पूजा वाली जो तुलसी होती है उसको हम उसके पत्ते तोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए इसकी जो तुलसी मीठी तुलसी होती है, इसके जो चाय बनाने के लिए या काढ़ा बनाने के लिए कई चीज़ों में काम आती है। तो आप इसको अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें, मीठी तुलसी के पौधे को। और तुलसी से रिलेटेड जितने क्वेरीज हैं, जितने इसको कैसी मिट्टी में लगाया जाए, जैसे आप नर्सरी से ला रहे हैं तो इसको कैसी मिट्टी में लगाएं, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, ये तुलसी का पौधा देखिए मैंने लगाया था, ये कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है और इसमें जो है घना भी होते जा रहा है। देखिए, ये छोटे से पॉट में लगाया है, करीब 8-9 इंच के पॉट में लगाया है और देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। और ये वाला पौधा देखिए, ये मीठी तुलसी का पौधा भी अच्छी ग्रोथ कर रखा है। ये मैंने एक ये देखिए छोटे से पॉट में लगा रखा है ये भी, और इसमें भी अच्छी ग्रोथ हो रही है। दोस्तों, इसमें मैंने जो जो काम कर रखे जिसकी वजह से इसमें इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है तुलसी के पौधे में मेरे, तो आप भी अगर उस काम को करेंगे तो आपका तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा रहेगा। और मैं आपको वीडियो के अंत में एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसमें जिसको आप तुलसी के पौधे में यूज़ करेंगे तो आपका तुलसी का पौधा में कोई दूसरी खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। दोस्तों, अगर आप नर्सरी से तुलसी का पौधा ला रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसके लिए कैसी मिट्टी चाहिए। मिट्टी ऐसी चाहिए जो जिसमें ड्रेनेज अच्छी से हो, पानी रुके ना। अगर पानी रुक गया तो आपका तुलसी का पौधा ख़राब हो जाएगा। तो आप उसमें देखिए क्या करना है, आपने गार्डन सॉइल लेनी है, कोई सी भी गार्डन सॉइल। अगर आपकी चिकनी मिट्टी है थोड़ी, तो उसमें आप थोड़ा सा रेता मिला दीजिए। रेता नहीं है, रेता अगर आपके पास नहीं उपलब्ध हो रहा है, वैसे तो रेता हर जगह उपलब्ध हो जाता है, थोड़ा सा रेता मिलाएंगे इसमें। 10% भी रेता मिला दिया अगर आपने मिट्टी में, तो आपका जो है ड्रेनेज सिस्टम सही हो जाएगा पॉट का। तो अगर रेता नहीं है तो आप इसमें यूज करेंगे राइस हस्क का। आप 30% जो है गार्डन सॉइल लेंगे, उसमें आप 20% राइस हस्क मिला देंगे। राइस हस्क बहुत यूज होती है, ये जो है अगर कोई पौधे में, पॉट में कोई पौधा लगाना है तो उसमें राइस हस्क में लगाएंगे तो इसमें ड्रेनेज सिस्टम सही रहता है। और उसके साथ आप देखिए इसमें गोबर की खाद यूज़ करेंगे। गोबर की खाद है या वर्मी कंपोस्ट, लेकिन वो फुली डिकम्पोज्ड होनी चाहिए, नहीं तो जो है आपके पौधे में फंगस लग सकता है। तो तुलसी के पौधे में जो है केमिकल खाद यूज नहीं करनी होती है, इसलिए आप 50% जो है गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं। तो आपका जब ये मिक्सचर तैयार हो जाएगा, उसको आप अगर पॉट में लगा रहे हैं कोई तुलसी का पौधा, तो ये खाद जो है 6 महीने आपकी चल जाएगी, क्योंकि तुलसी के पौधे को ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती नहीं है।
और इसमें अगर आपने खाद की मात्रा ज़्यादा कर रखी पहले से ही 50% कर रखी तो इसमें खाद की ज़रूरत नहीं होती है। ये देखिए मैंने तुलसी का पौधा लगाया था, इसमें जो इसको हो गए हैं करीब 3 महीने हो गए हैं इस पौधे को लगाए हुए, और इसको मैंने छोटे से पॉट में लगा रखा, देखिए कितना घना हो गया है। इसका जो मेन कारण होता है तुलसी के पौधे का जो ग्रोथ नहीं करना, उसका कारण ये होता है कि इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। पानी की मात्रा आप इसमें अगर ज़्यादा करेंगे तो तुलसी का पौधा सूख जाएगा। तो आप इसमें जो कई लोग जो होते हैं तुलसी के पौधे में जल चढ़ाते हैं, उसका जो बर्तन होता है वो भी काफ़ी बड़ा होता है, तो अगर हम उस जो बर्तन से जल चढ़ाएंगे इसमें तो काफ़ी मात्रा में हो जाएगा इसका। और डेली इसमें जल चढ़ाते हैं कई लोग, तो उससे क्या होता है पौधा जल्दी सूख जाता है। तो आप जो उस बर्तन में अगर तुलसी के पौधे के लिए पानी ला रहे हैं तो उसको कई और पौधों में भी यूज कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा अगर हम पानी देंगे, इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर बना रहना चाहिए मिट्टी में, उसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये पौधा जो है ग्रोथ नहीं करेगा। एक कारण तो इसमें जो है पानी इसमें कम होना चाहिए तुलसी के पौधे में, और एक है इसमें देखिए ये जो मंजरी बन रही थी, ये देखिए ये वाले पौधे में देखिए कितनी मंजरी बन रही थी। जो मंजरी जब बनने लग जाती है कोई भी पौधे में, जब बीज बनने लग जाते हैं तो उसका विकास रुक जाता है वहीं पर को। तो आप जो तुलसी के पौधे की जो जितनी मंजरी हैं इनको आप किसी चीज़ की सहायता से काट दीजिए। जैसे ये देखिए मैंने एक कटर ले रखा, इसको आप डायरेक्ट ऐसे काटेंगे तो जैसे कटर में कोई बैक्टीरिया वगैरह होंगे तो उससे पौधा ख़राब हो जाएगा, इसलिए आप इसको सैनिटाइज करना ना भूलें। आप कोई भी कटर लेते हैं तो उसको पहले किसी चीज़ से सैनिटाइज कर लें। आप डिटॉल का जो पानी है उससे भी यूज कर सकते हैं, उससे भी जो इसके बैक्टीरिया वगैरह जो इसमें कीटाणु होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो आप सैनिटाइज ज़रूर करें इसको। उसके बाद इसको किसी चीज़ से कपड़े से पोंछ लें, उसी के बाद इस कटर का यूज करें। तो आप जितनी भी मंजरी हैं जैसे ये देखिए इसको इस प्रकार से कट कर दीजिए, क्योंकि मंजरी जो है ये पूरे पौधे का जो है विकास को रोक देगी और ये पौधे की ग्रोथ आगे को नहीं बढ़ेगी, इसलिए आप सभी मंजरी जितनी है इसकी काट दीजिए। इस प्रकार से आप देखिए इसकी सारी मंजरी जो होती है उसको कट कर दीजिए। उस कट करने के बाद आप जो मंजरी इसकी कट कर देंगे, उसके बाद देखिए इसमें जो मिट्टी है, मिट्टी आप देखेंगे तो उसकी थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, उसमें जो है जड़ें फैल जाती हैं, तो आप हल्की सी इसकी हर 10-15 दिन में इसकी गुड़ाई कर दीजिए, हल्की सी 1 इंच की इसकी गुड़ाई करनी है। उसके बाद इसमें आप ये देखिए गोबर की खाद लीजिए या वर्मी कंपोस्ट लीजिए, वो आपने थोड़ी मात्रा में लेना है और इस प्रकार से इसमें पौधे में हल्का सा छिड़क देना है, क्योंकि जो है खाद अगर इसमें देते रहेंगे बीज में तो आपका पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा। पहले तो 6 महीने के अंदर इसमें खाद देने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने आपको पॉटिंग मिक्स बताया था, 6 महीने के बाद इसमें अगर खाद देंगे तो यही यूज करेंगे। इस प्रकार से इसमें खाद देकर इसमें आपने एक चीज़ और डालनी है, ये देखिए ये है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर का यूज करेंगे आप इसमें, 1 चम्मच हल्दी पाउडर हल्का हल्का चारों तरफ आप डाल देंगे। हल्दी पाउडर से क्या होगा, जो इसमें फंगस लगने की संभावना है वो कम हो जाएगी, तो आप 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। उसके बाद इसमें जो है आप हल्का इसमें पानी डाल देंगे, इस प्रकार से इसमें पानी डाल देंगे हल्का, और पानी तभी दें जब ऊपर की जो मिट्टी है वो सूख जाए। आप ऊपर से जब देखेंगे कोई पौधा, जैसे मेरा ये वाला पॉट देख लीजिए, ये है, इसमें अगर ऊपर की जो लेयर है 1-2 इंच अगर मॉइस्चर है उसमें, तो इसमें पानी मत दीजिए। आप डेली इसमें पानी देते हैं उसकी वजह से क्या होता है इसमें फंगस आ जाती है, इसलिए आप हल्दी पाउडर का यूज करें और इसमें पानी तभी दें जब इसको पौधे को ज़रूरत हो। इतना करने के बाद आप जो तुलसी का पौधा है ये दिन भर की धूप में रहना ज़रूरी है, क्योंकि अगर दिन भर की धूप में नहीं रहेगा पौधा तो इसमें जो है विकास नहीं होगा और पौधा जो है अच्छी ग्रोथ भी नहीं करेगा और घना भी नहीं होगा। तो आप इसको दिन भर की धूप ज़रूर दिखाएं, और अगर गर्मियों के दिन में अगर आप धूप में रखेंगे तो इसमें कुछ ऊपर से ग्रीन नेट का यूज कर सकते हैं।
आप, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, तुलसी के पौधे में क्या चीज़ आप यूज करनी है जो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता रहा था। आप इसको हमेशा हर हफ्ते यूज करेंगे तो आपका पौधे में जो है ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए, ये है दूध, गाय का दूध। आप इसको यूज करेंगे तो आपके पौधे में जो मिट्टी है, मिट्टी अच्छी बनेगी, पोरस बनेगी, क्योंकि ये दूध में जितने बैक्टीरिया होते हैं वो पौधे के विकास में काम आएंगे और पौधे की जो मिट्टी होगी उसको अच्छा बनाएंगे। तो दूध का यूज कैसे करना है आपने, देखिए एक गिलास पूरा दूध नहीं लेना है, थोड़ा सा दूध की मात्रा होनी चाहिए, उसमें थोड़ा सा आप पानी मिला देंगे। तो मैं देखिए आपको दिखा रहा हूँ, इस प्रकार से आप इसमें दूध को इतना डालना है, करीब एक या दो चम्मच आपने दूध डालना है और इसमें हल्का हल्का तुलसी के पौधे में इस प्रकार से दे देना है और इसको पूरे दिन की धूप में रखना है। तुलसी के पौधे में आपने देखा होगा कई प्रकार के कीड़े लग जाते हैं, इसमें मिलीबग वगैरह अटैक करती हैं। ये देखिए इसमें कौन सा कीड़ा लगा है, ये एक लकड़ी नुमा कीड़ा है, ये देखिए, ये मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, ये तुलसी के पौधे में चिपका हुआ है। ये देखिए ये जो कीड़ा लगा है इसमें, इस प्रकार के कीड़े भी लग सकते हैं तुलसी के पौधे में। तो आप बीच बीच में इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करें, और अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो आप जो है इसमें जो विम जेल होता है या कोई भी लिक्विड सॉप होता है आप उसको पानी में डाल के उसका स्प्रे करेंगे, हर 5-6 दिन में इसमें स्प्रे करते रहेंगे विम जेल के पानी का, तो इसमें जो कीड़े जो हैं वो नीचे झड़ जाते हैं, कीड़े इसमें चिपक नहीं पाते, जिससे कि आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएँ।